फेमस यूट्यूबर रितु राठी और गौरव तनेजा हाल ही में दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा अनबन और लड़ाई झगड़े सुनने को देखने को मिल रहे थे, जबकि अभी फ़िलहाल रिसेंट फ़ोटो में हमने देखा कि वे दोनों साथ हो गए हैं और एक खुशी की बात है कि दोनों साथ हैं। जो भी अनबन उनके बीच में हुई थी अब लग रहा है कि दोनों सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि रितु राठी ने डिवोर्स रियलिटी चेक भी दी थी और उन्होंने कहा था ये हमारे बीच का मामला है, हमारे आपस का मामला है, तो बेहतर है कि लोग इन सब से बाहर रहे। लेकिन दोनों जो है सेलिब्रिटी हैं और दोनों ही अपनी लाइफ जो है यूट्यूब में व्लॉगिंग के थ्रू बताते हैं, सो लोगों की भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी इस बात को लेकर। बहुत से लोग खुश भी हुए, बहुत से लोग बोले कि ये स्टंट है और ये बस फेमस होने का और एक स्टंट है। और रीसेंट जो हमने पिक्चर्स देखी कि करवा चौथ में रितु राठी जो है वो मेहंदी वगैरह लगवा रही थी और गौरव तनेजा ने एक पोस्ट के थ्रू बताया कि ये हमारे आपस का मामला है, हर किसी के माँ बाप के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, सो वो तो आपको अपनी लाइफ में नहीं घुसाते हैं, सो प्लीज़ हम कैसे घुसाए। तो इस बात का ये इंडिकेट करता है कि दोनों साथ में हैं और दोनों जो है वो करवा चौथ बहुत अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया और आपस का जो उनका बात था वो सुलझ गया। सो लोग बहुत से उनको पॉजिटिव वाइब भी दे रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और बहुत ज़्यादा वे फेमस नहीं हो पाए इस टॉपिक को लेकर। और जब वो रितु राठी प्रेमानंद महाराज जी के पास गई थी तो उन्होंने इस बात का बयान उनको किया था कि वे गौरव तनेजा उन्हें चीट कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ क्लियर दिखते नज़र आ रही है कि दोनों साथ हैं। आपका क्या सुझाव है ज़रूर बताइएगा। ओके सो वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है एक नए व्लॉग में। आज मैं बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स में बात करने वाली हूँ, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है वो शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे एक वन डे का सेमिनार होने वाला है तो उसके लिए मैंने कोसे की साड़ी निकाली है और ये साड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, शादी के समय की साड़ी है और उसी समय मैंने परचेस किया था। यहाँ पे मैचिंग बैंगल्स जो है मैं निकाल रही हूँ क्योंकि साड़ी के साथ बैंगल्स पहनने का जो मज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा निराला है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सेमिनार में जा रही हूँ तो सो उसकी तैयारी चल रही है और यहाँ पे जो है वो सारी जो फाइल है, सॉन्ग की फाइल है, वो रेडी हो गए हैं। हम जितने क्वायर के मेंबर्स हैं सबके पास है और एक दिन पहले प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाने के लिए। आजकल मैं ये वाली क्रीम लगा रही हूँ, जेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्किन को जो है वो हाइड्रेट कर देती है, साथ ही साथ बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। ये वाली एंकलेट या पायल आप बोल सकते हैं, ये मैं पहनने वाली हूँ और इंडियन अटायर के साथ इंडियन ऑर्नामेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली रिसेंट बो जो है मुझे रिसीव हुई थी, मैंने ऑर्डर किया था पार्सल तो मैं उसे अनबॉक्स कर रही हूँ। प्यारी सी प्रिटी सी बो है और अभी जो है वो विंटर सीजन आ रही है तो उन सब में इस टाइप के बो लगाने का अलग ही मज़ा है। और कार्डिगन्स वगैरह जब हम पहनते हैं और अच्छे से हेयर स्टाइल जब हम करते हैं तो लुक तो और ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, और ही ज़्यादा प्रिटी हम दिखने लगते हैं। और साड़ी की बात मैं कर ली, साड़ी वगैरह सब निकाल लिया, अब यहाँ पे आते हैं लिपस्टिक के पिटारे की बातें। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपने लिपस्टिक जो कि मेरे साड़ी से मैचिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि साड़ी के कलर के हिसाब से लिपस्टिक जब हम लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक हमें देखने को मिलती है, बहुत अच्छी लुक जो है वो आती है। तो साड़ी जो है मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और साड़ी निकालने के साथ साथ जो है मैं दूसरी आउटफिट भी जो है वो ऑब्वियसली साड़ी ही है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि दो दो फंक्शन हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो सारे जो जितने फंक्शन हैं उस हिसाब से मैं कपड़े निकाल रही हूँ, लिपस्टिक निकाल रही हूँ। ये जो है वो जूडियो की लिप क्रियॉन है और ये कलर जो है मुझे वॉश ऑफ करती है, मैं निकाल के लक रख ले रही हूँ, लगाना नहीं लगाना
देखा जाएगा। एक्स्ट्रा तो ज़रूर हम लेके चलना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमें चलना तो चाहिए। सबसे बेस्ट है यार हमारे बजट में है L18 की कलर पॉप्स की मैट लिपस्टिक। एग्जैक्ट मैच नहीं है बट 99 में यदि इस क्वालिटी के लिपस्टिक मिल रहे तो फिर क्या ही कहना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्विस ब्यूटी की जो है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को दिखा दिया है क्योंकि लिपस्टिक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे मैं निकालने वाली हूँ ईयरिंग्स के पिटारा को निकाल रही हूँ, और जो मैं सोच रही हूँ कि दिन भर का प्रोग्राम है तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी भी ना पहनूँ, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, साड़ी को जो है वो जस्टिफाई करे, उस टाइप से ईयरिंग्स पहनना ज़रूरी है। और ईयरिंग्स का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और मैं कलेक्ट भी करती हूँ, कलेक्ट इन द सेंस कि कलेक्शन बनाती हूँ, और ये जो है वो मेरी साड़ी के साथ जाने वाली है तो इसे ज़रूर निकालते हैं। एक जो साड़ी है वो पिंक कलर की है, उससे भी निकालना है, मतलब उसके लिए मैचिंग वाली ईयरिंग्स भी निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया, ये दोनों ईयरिंग की सेट मैंने निकाल लिए, और दोनों ही ईयरिंग के सेट बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। बैंगल्स भी मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया, पिंक साड़ी के लिए भी मुझे बैंगल्स निकालने हैं और उसके भी अरेंज करने हैं बैंगल्स। ये वाली हैंड बैग जो है वो मैं कैरी करने वाली हूँ, जिसमें मेरा बहुत सारा सामान जो है वो आ जाएंगे, जैसे कि मेरे बॉटल हो गए और कुछ कुछ डायरीज, पेंस वगैरह। और ये एप्पल को देखिए बहुत ही ज़्यादा शाइनी लग रही है, मतलब इतनी क्यूट लग रही है ये एप्पल, मन ही नहीं हो रहा कि इसे मैं खाऊँ, और बहुत ही ज़्यादा शाइनी लग रही है। तो इसका भी एक राज है, वो बाद में कभी मैं बताऊँगी। सो अभी का वक्त हो गया है शाम का, और यहाँ पे हम लोग आ गए टी शॉप में चाय पीने के लिए, और जस्ट इसके बाद मेरी प्रैक्टिस है, सॉन्ग कंपटीशन की प्रैक्टिस है, तो हस्बैंड जो है मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, और मीनवाइल वी आर हैविंग टी, और उसके बाद मैं जस्ट रीच कर रही हूँ चर्च, जहाँ पे मैं छोटा सा वीडियो कॉल कर रही थी मेरी फ्रेंड की डॉटर के साथ, और उसके बाद मैं चर्च पहुँच गई। ये जो हमारा सॉन्ग है इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे गाने का बड़ा शौक है, मतलब जब हम छोटे रहते हैं तो हमारी इच्छा होती है ना कि हम क्या बनने वाले हैं, तो मेरी इच्छा थी मैं सिंगर बनूँ। फिर मैं कोशिश भी मैंने किया, मैं क्लासेस भी जाती थी, और फिर उसके बाद मैंने क्लासेस भी ज्वाइन किया है। और यहाँ पे हम साड़ी सेलेक्ट कर रहे थे कि हम सब ग्रुप वाले कौन से कलर की साड़ी पहनेंगे, तो सब मेजॉरिटी के साथ सब ने बोला पिंक, उसके बाद ब्लैक में भी हम कंफ्यूज हो गए थे, तो पिंक ब्लैक चल रही थी, किसी के पास थी किसी के पास नहीं थे। उसके बाद अगेन फिर हम प्रैक्टिस करने लग गए, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन अलर्ट मिल रही है। सो कैसी थी ये ट्रांजैक्शन आप बताइएगा। हम पहुँच गए नेक्स्ट डे की बात है, नहीं ये गलत है, नेक्स्ट डे की तो बात है बट मैं पहुँची नहीं हूँ, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। ये वाली प्यारी सी साड़ी मैंने पहनी, और मेरे ख्याल से ना पिंक कलर की जो साड़ियाँ होती हैं ना वो हर वुमेन में, हर गर्ल में, हर लेडीज़ में फिट बैठती ही है, सबको सूट करती है, चाहे कोई सी भी स्किन टोन की पर्सन हो आप। यहाँ पे फटाफट से मैं बेसिक जो रेडी होती हूँ, अक्सर शायद आपने देखा होगा मैं ये रेडी हो गई, और फाइनल यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, कुछ लोग मुझे ज्वाइन करने वाले थे, फिर हम साथ में जाने वाले थे तो उनका वेट कर रही थी, और तैयार होकर वेट करना थोड़ा सा अखरता है बट ठीक है। फिर हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन के लिए, यहाँ पे इतनी भीड़ थी और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई हम सब।
एंड सेम डे की बात है, मैं शाम को घर आई, मुझे 6 बज गए थे और यहाँ पे जो है वो रावण दहन होने वाली है। हर जगह में अलग अलग डेट में हो रही है क्योंकि सब एक साथ सब जगह नहीं जा सकते, तो इस जगह में इस दिन हो रही थी। ये हमारी क्वायर की टीम है और उसके बाद हम लोग चले गए बाहर और हमने किया डिनर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहुत थकान हो गई थी दिन भर का। लेकिन भाई डिनर अगर देख सकते हैं आप तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया मैंने। और जो सिजलर ब्राउनी थी वो तो फिर वाह वाह वाह, बहुत ही ज़्यादा उम्दा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार की थी और वर्थ 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 मनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। दिस वॉज आवर डिनर, हमने खूब इंजॉय किया और उसके बाद हम घर पहुंच गए। अराउंड 11 बज गए थे और फटाफट से फिर हम सो गए और उसके बाद सुबह उठा और सुबह भी फंक्शन था, हमें बाहर जाना था तो हमें सुबह से जाना था, तो उस दिन मैं उठ गई थी सुबह के 5 बजे और उसके बाद हम लोग आए रात में 1 बजे। ये था, हस्बैंड यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और ब्राउनी जो है वाकई में बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। और ये था हमारा दिन और एक बाइट ज़रूर आप भी ले लीजिए, हालांकि आप नहीं ले सकते और बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो बहुत से लोगों को गुस्सा भी आती है कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, जब जान रहे हो वो चीज़ अपन खा ही नहीं सकते, वो चीज़ अपन हैव कर ही नहीं सकते, तो इस टाइप से। बट ठीक है यार, एक फॉर्मेलिटी है और आप अपना समझ के उस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट बाइट बहुत अच्छी थी, हमारा जो ग्रुप सॉन्ग था आप सुनिए। ओके जी, तो ये वाला जो दिन है उस पर जैसा कि मैंने आपको बताया, बस सुबह से उठ गई थी, सुबह से रेडी वेडी हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह घर वालों के लिए बनाया, सबके लिए बनाया। और जो एक दिन पहले जैसा कि मैं बताई थी कि मैं सेमिनार गई थी, तो वहाँ पे जो है बहुत ही हम लेट आए 6 बजे, फिर हम बाहर चले गए थे डिनर करने के लिए, सो मैं हेयर वॉश वगैरह नहीं कर पाई थी, तो जस्ट मॉर्निंग में ही मैंने हेयर वॉश वगैरह किया, साड़ी पहना, मेकअप किया, तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट बनाया। मतलब सुबह उठना मेरे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा कारीगर रहा। और यहाँ पे हमारी ग्रीन ग्रीन जो प्लांट्स हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्रिटी लग रही हैं, और जो अभी विंटर का समय है ना, तो खूब सारे जो फ्लावर्स हैं वो भी आने वाले हैं और हम लोग प्लांटिंग करने वाले हैं। आपकी इधर क्या हाल चाल है, वेदर का, मौसम ठंडा हुई कि नहीं हुई, ठंडी हुई कि नहीं हुई? और गाड़ी हमारी आ गई है और मैं अपनी हैंडबैग को रख लेती हूँ, उसके बाद जो है फटाक से मुझे घर को लॉक करना है और हम निकल पड़ेंगे। और साड़ी में ट्रैवल करना थोड़ा सा वाली बात हो जाती है, बट ठीक है, हमें वहाँ ड्रेस चेंज करने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ से घर से ही रेडी होके जा रही हूँ। और घर के लाइट्स वगैरह भी हम ऑन कर देंगे क्योंकि मैं सोची कि आने में तो हमें लेट हो जाएगी, सो हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। अराउंड 1 आवर की ट्रैवल हमें करनी थी और उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँच गए। देन जो फंक्शन था वो दोपहर का था और फंक्शन बहुत अच्छे से निपट गया और हम सब फैमिली वाले यहाँ पे बैठे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं,
छोटी सी बेबी के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं। बेबी का नाम है सारा और उसके साथ हम लोग खेल रहे थे, वो मस्ती कर रहे थे। वो उठ के आई थी, जस्ट उसने नैप लिया था और वो उठी और खूब हमने खूब उसके साथ प्ले किया, इंजॉय किया, सब मस्ती मजाक कर रहे थे। देन उसके बाद हम लोग खेलने लग गए यूनो, जिसमें मैं बिल्कुल अनाड़ी थी। यहाँ पे हम लोग को ट्यूटोरियल मिलेगा, यदि आप भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। कोई भी इसमें चारों कलर है तो इसको कोई भी कलर में देख के अपने मनपसंद कलर को भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लू चल रहा है तो वो फ्लैश के येलो कर सकते हैं। ये भी वही है कि इसमें फ्लैश टू भी है तो कलर चेंज करेगा, लेकिन मैं सेम यही है, कलर चेंज। थैंक यू। पर उसको दो पत्ती उठाना पड़ेगा, पर प्लस टू का ना बहुत सारा कार्ड है, जैसे विक्की फेंका फिर उसके बाद है प्लस टू, तो अगला प्लस टू चार हो गया, तो चार हो गया और फिर ये वाला रिवर्स ऐसे चल रहा है तो जो फेंका तो रिटर्न हो गया। ठीक, ये प्लस वन है, सिंपल सिंपल जो कलर के ऊपर आएगा अगला एक बताओ। मेरे पास भी वन प्लस है, फेंक दिया तो उसका दो बटन। ठीक, फिर ये समझ, ये स्पेशल कार्ड है, इसमें सबसे भयानक पड़ता है, इसमें ये वाला तो रिवर्स सेम है। ठीक, ये फ्लिप सेम है, ये फिर से फेंकेगा तो फिर ये वाला नॉर्मल साइड आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे इसमें ये वाला था ना ब्लॉक होता था, पर एक चांस जैसे ये फेंकी तो तू ब्लॉक हो गया, लेकिन वो चलेगी इस वाले में, लेकिन जैसे ये फेंकी ब्लॉक हो गया यही चलेगी। और इसके ये है प्लस फाइव, इसमें सीधे अगले वाले को पाँच होगा। ठीक है, और फिर अगला फिर अगला कोई प्लस फाइव फेंक दिया तो अगला दस पंद्रह। ठीक, और सबसे पहले ये वाला इस पत्ते को देख सबसे अच्छे मैं ना इस बार थोड़ा गेम से बाहर रहूंगी, मुझे समझ नहीं आया। अरे सुनो, पहले बता देना, ठीक है? ये बात तो ऐसे उठता नहीं है, ठीक है? ये फेंकी है सर।